बीजेपी राज्यवार विपक्षी एकता से मिलने वाली चुनौती और फायदे दोनों पर मंथन कर रही है। सीटों के हिसाब से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अभी तक बीजेपी की झोली खाली है। इन दोनों राज्यों में अगर विपक्षी एकता बन जाए तो बीजेपी को स्पेस मिल सकता है। यहां बीजेपी आपदा में भी अवसर तलाश रही और संगठन स्तर पर नेताओं की टीम उतर चुकी है। राजनीतिक रूप से कमजोर राज्यों में भी बीजेपी खुद को मजबूत करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। केरल, तेलंगाना, पंजाब जैसे राज्यों में विपक्षी एकता से भले ही बीजेपी को खास परेशानी ना हो, लेकिन ऐसे राज्यों में अगर विपक्ष जीतता भी है तो बीजेपी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभर सकती है। और बीजेपी के ऊपर चढ़ने का सीधा सीधा और बड़ा नुकसान कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी को ही होगा। अपनी अलग तासीर होती है, अपना एक अलग माहौल होता है, अपने अलग मुद्दे होते हैं, तो विपक्ष की एकता होना और ना होना दोनों का प्रभाव तब पड़ेगा कि उस समय का मुद्दा और माहौल कैसा होता है। अगर देश की जनता में कोई एंटी इनकम्बेंसी है तो उसका असर दिखता है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार के प्रति समर्थन है, तो इस तरह की एकता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यह तो कर्नाटक चुनाव में मिली हार के बाद हिंदी भाषी बेल्ट में जीत बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है, लिहाजा यहां भी गठबंधन के सफल होने की संभावना लोकसभा में कम है। और इन राज्यों में बीजेपी या कांग्रेस ही एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी होंगे। हिंदुत्व की प्रयोगशाला वाली श्रेणी में उत्तर प्रदेश और गुजरात का नाम लिया जा सकता है। इन दोनों राज्यों में विपक्षी एकता की जो अब तक की मिसाल रही है वो चुनावी आंकड़ों के लिहाज से बेहतर नहीं रहा है। वहीं पांचवी स्थिति में वैसे राज्यों की बात कर सकते हैं जिनका संबंध केंद्र सरकार या यूं कहें बीजेपी के साथ बेहतर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बेहतर है। उसमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का नाम आता है। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, वहीं YSRCP की सरकार यानी जगन मोहन रेड्डी की सरकार आंध्र प्रदेश में है। लिहाजा इन दोनों राज्यों में जो सद्भाव है केंद्र के साथ और बीजेपी के साथ, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यहाँ विपक्षी एकता की स्थिति नहीं बनेगी। यहाँ विपक्षी एकता होना असंभव दिख रहा है, क्योंकि जो विपक्षी एकता की अगुवाई कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो उड़ीसा का दौरा कर चुके हैं, लेकिन विपक्षी एकता के मुद्दे पर नवीन पटनायक को ऑनबोर्ड लाने में असफल रहे हैं। एक नजर में बीजेपी के लिए विपक्षी दलों की लामबंदी भले ही घाटे की वजह नजर आए, लेकिन बीजेपी ने भी अपना आकलन किया है। विपक्षी एकता की स्थिति में उसको क्या और कहां फायदा हो सकता है? बीजेपी का अपना आकलन है कि विपक्ष के गठबंधन से बीजेपी को केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, झारखंड में फायदा मिलेगा। केरल में सभी 20 सीटें विरोधी पार्टियों के पास हैं, 19 सीट कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF के पास और एक सीट CPM के नेतृत्व वाले LDF के पास है। ऐसे में अगर केरल में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो हो सकता है विपक्ष सभी सीटें मिल जाएं जो पहले से उसके पास हैं। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी को केरल में विपक्ष के तौर पर पूरा स्पेस मिलने की गुंजाइश भी बढ़ जाती। कोई सीट नहीं भी मिल पाई तो उसके वोटों में बड़ा इजाफा होने के चांस ज्यादा है। जाहिर है वहां अगर गठबंधन हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा। वहीं तेलंगाना में भी अगर बीजेपी विरोधी पार्टियों का गठबंधन बनता है तो कांग्रेस, BRS और AIMIM साथ मिलकर लड़ती हैं तो बीजेपी को उसका फायदा होगा।